सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जैसे कि आप लोग फाइव मनी से आप लोग अकाउंट सेविंग अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप लोग कैसे कर सकते हो। आज की वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूं, अगर आप लोग जीरो बैलेंस फाइव मनी में आपको अकाउंट क्रिएट करना है यानी कि अकाउंट बनाना है तो आप लोग कैसे अकाउंट खोल सकते हो। आज की वीडियो में आप लोग यही बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले प्ले स्टोर को एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद फाइव मनी आपको टाइप करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइप किया, इसके बाद डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको डाउनलोड नहीं करना आता है, प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड करा दी, वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा आप लोग वेट करना है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके इंटरफेस आता है नज़र, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना साइन अप, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया तो साइन इन कर सकते हो, नहीं किया तो साइन अप कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइन अप कर लिया है, साइन अप करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है मोबाइल नंबर, तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। चलिए मोबाइल नंबर थोड़ा टाइप कर देते हैं। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, इसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ इसको अलाउ करना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग वेट करना है। इस नंबर पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, अगर आपकी सिम इसी में पड़ी होती है तो। नहीं है तो आप लोग अपने हाथों से मैनुअली कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है। सो फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओटीपी आ जाए और इसके बाद वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, कोई भी अपना ईमेल एड्रेस फिल करा देना, ठीक है। चलिए हमें ईमेल एड्रेस को फिल कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग वेट करना, ऑटोमेटिकली आपने मैंने ईमेल एड्रेस मेरे फ़ोन में आता है वो सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। नहीं है तो आप लोग अपने हाथों से मैनुअल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी थी, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पे बोला पैन कार्ड डिटेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखूंगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दिया, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देते। इसके बाद यहाँ पे देखूंगा नेक्स्ट, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा आप लोग वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद यहाँ पे बोला फुल नेम, ठीक है। इसके बाद मदर्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पे फुल नेम मदर्स नेम डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना। अगर आपको नॉमनी से ऐड करना है, अगर नॉमनी किसी को नॉमनी ऐड करना, तो हमें ऐड ए नॉमनी कर लेना, ठीक है। फिलहाल मैं आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। पहले अपना जो फादर नेम है वहाँ डाल देना है, इसके बाद मदर नेम, ठीक है, चलिए। इसके बाद यहाँ पे देखूंगा आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद ऐड नॉमनी पे क्लिक करना है। ऐड नॉमनी पे क्लिक करने के बाद उनका यहाँ पे नाम आ जाता है, डिटेल आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे देखूंगा नेक्स्ट, तो आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आता कुछ इस तरीके का इंटरफेस, वो लोग यूज़ आधार कार्ड डिटेल्स टू ओपन एन अकाउंट, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई कैंट वेरीफाई विद आधार कार्ड, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। फिलहाल आधार कार्ड है तो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बोला आधार कार्ड नंबर, ठीक है, डाल देते हैं। सो फ्रेंड, मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा आप लोग वेट करना है। इसके बाद आधार कार्ड पर जो नंबर लगा होता है उस पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे आपको डाल देना, ठीक है। यहाँ पे आता है OTP, तो चलिए OTP यहाँ पे डाल देते हैं। सो फ्रेंड, OTP डाले, इसके बाद राइट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट किया है। राइट करने के बाद थोड़ा सा आप लोग वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखूंगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पे रीड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इसके बाद अलाउ करना है, फिंगर है मेरा, इसको फिंगर को अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं मानता तो यूज़ पिन कर लेते हैं अपना, कोई यहाँ पे जो पिन डाला था अपने स्क्रीन पिन यहाँ पे डालना है। इसका अलाउ करना है, ठीक है। फिर से अलाउ बोल रहा है, अलाउ करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अलाउ किया है। इसका लोकेशन बोला, लोकेशन को आपको यहाँ पे ऑन करना है, ओके करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया है, ओके करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद जो आपका सेल्फी वाला फ़ोटो होता है वो बोल रहा है, देख सकते हो सेल्फी वाला फ़ोटो आपको यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे देखने मिला है कंटिन्यू, यहाँ पे देखने मिला कंटिन्यू। थोड़ा सा हमें यहाँ पे कंप्लीट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लोडिंग ले रहा है, ठीक है, थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आता कुछ इस तरीके का इंटरफेस, मेरा यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप लोग ऊपर साइड देख सकते हो, ऑन कंप्लीटिंग वीडियो KYC विल बी सेल्फ योर डेबिट कार्ड टू दिस एड्रेस, ठीक है। इसके बाद आपका नेम आ जाएगा। इसके बाद आपका जो एड्रेस होता है, नहीं आता तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होता है आपको ऐड करना है। अगर आपको न्यू एड्रेस को ऐड करना है तो आपको ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करके कोई सा भी अपना एड्रेस ऐड कर लेना है, ठीक है। फिलहाल मैं यही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इस पर टिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, इसके बाद राइट हो जाता है। राइट हो जाने के बाद यहाँ पे देखो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता जाता है। यहाँ पे बोल रहा है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद स्विच टू ओपन अकाउंट, इस पर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद अलाउ करना है, ठीक है।
इसके बाद सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आपने ऐड किया था यहाँ पे, इस पर एक ओटीपी आएगा, थोड़ा सा वेट। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओपन हो जाता मेरा अकाउंट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे आपकी जो होती है यहाँ पे ब्लॉक होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके डाक द्वारा आता है और आपने जो एड्रेस डाला है, वह डाक द्वारा आपके एड्रेस पर ये एटीएम भेज दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। आप लोग बड़े आसानी से सीख चुके होंगे कि जीरो सेविंग अकाउंट कैसे आप लोग ओपन कर सकते हो। बस यही थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और अच्छे आप लोग अकाउंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।